आदरणीय अध्यक्ष जी, सम्मानित संचालक बंधु, मंचासीन डॉक्टर संजीव बालियान जी, माननीय मंत्री भारत सरकार, भाई सुभाष मलिक जी, चौधरी मांगेराम मलिक जी, मांगेराम जी अध्यक्ष सहारनपुर, भाई गौरव जी, भाई उमेश मलिक जी, हमारे बीच में उपस्थित श्री एस के वर्मा जी, रिटायर्ड IAS और हरियाणा और दूसरी जगह से आए और उत्तर प्रदेश की भी जिन लोगों को मैं नहीं जानता, उन सबको मैं नाम ना लेकर के सम्मानित मंच, पूजा के योग्य मातृशक्ति और बहादुरी और कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी और चरित्र के प्रतीक बिरादरी के सरदारों, नौजवान साथी, बहुत अच्छा आयोजन आपने किया। और जैसा कि आपने बताया कि गौरव जी ने बड़ा आपको सहयोग किया, गौरव जी का भी धन्यवाद और आप लोगों का भी धन्यवाद। मैं बहुत विद्वान व्यक्ति नहीं हूँ, सूदा जाट हूँ, तो थोड़ी बात कहूँगा। चूंकि भाट नहीं जाट हूँ मैं, चारण गाथा तो गाऊंगा नहीं, पर सच्चाई को कहने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, आज हम बड़े विकट समय में जी रहे हैं। हम लोगों को अच्छा लगता है जब हम शहर में गुजरते हैं तो डॉक्टरों के बोर्ड जो देखते हैं उस पर हमारे भाइयों के, हमारे बच्चों के नाम उस पर अंकित हैं। आज मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, गाजियाबाद हो, MS, MD, DM, सब जगह जाट के लड़कों के नाम हैं। परंतु अब दुर्भाग्य ये होगा कि अब शायद MBBS की पढ़ाई भी आपका लड़का नहीं कर पाएगा। आपकी आर्थिक स्थिति नहीं है ऐसी कि आप MBBS की पढ़ाई करा पावे। मुझे हाथ उठा करके बताओ कितने यहाँ चौधरी साहिबान ऐसे हैं जिनके क्रेडिट कार्ड नहीं है? बताओ हाथ उठा करके कौन सा जिसका क्रेडिट कार्ड नहीं है? कोई एक तो होगा, एक हाथ उठा, पांच हाथ उठ गए। और ऐसे कितने हैं जो भाई, अगर मैं शुरू कर दिए तो आपको दिक्कत पड़ जाएगी। ऐसे कितने हैं जो जब उसका रिन्यूअल कराते हैं तो बैंक में जा करके दलाल को ये नहीं कहते, तू पैसे ले ले, अपने पास से जमा कर दे, कल निकल के तुझे मिल जाएंगे। हमारे हालात बहुत खराब है। हाँ, कुछ लोगों को जादू है। मैंने एक दिन एक सज्जन को TV पे सुन रहा था, मैं जानता था बहुत साधारण व्यक्ति था, उसने बताया कि मेरे इतने हजार करोड़ के काम वहां चल रहे हैं, इतने हजार फ्लैट मेरे बने खड़े हैं। तो कुछ लोगों ने तरक्की की है, अच्छा लगता है। मेरा कहने का आशय है कि पिछड़ी पीढ़ी ने, हमसे पिछली पीढ़ी ने बड़ा संकट काट करके हम लोगों को बोलने की बात सिखाई, जो हमारी कौम के, और जिन्होंने अपने आप को जाट कौम नहीं, किसान कौम के हवाले किया, चाहे सर छोटू राम हो, चाहे चौधरी चरण सिंह हो, चाहे आपके ये नाथूराम मिर्धा जी हो, महेंद्र सिंह टिकैत रहे, चौधरी रणबीर हुड्डा थे, चौधरी देवीलाल थे, चौधरी बंसीलाल, उन लोगों ने आपकी कौम के लिए काम किया। चूंकि आप किसान थे, काम करने का तरीका दूसरा था, वो बात किसान की कहते थे, काम आपका होता था। हम जानते हैं कि आप भी सहमत होंगे, अगर चौधरी दे सर छोटू राम ना होते तो आप बोलना भी ना सीखते, और अगर चौधरी चरण सिंह ना होते तो जमीन के मालिक आप ना होते, जमींदारी जमीन के मालिक थे। हम मेरठ की धरती को इसलिए नमन करते हैं कि धरती 1857 की क्रांति की धरती है, वही यह धरती उस महान पुरुष की, उस महान योद्धा की कर्म भूमि रही है जिसका नाम चौधरी चरण सिंह ने, जिसने हम जैसे लोगों को उठा करके, जिनकी चरण धूली जिसके पैरों मस्तक पर लगा दी, उसको MLA MP मंत्री बना दिया। नहीं तो सरमाएदार के बच्चे MLA MP बनते, आपका बेटा कोई MLA MP ना बन पाता। ये दूसरी बात है। हम जब ये फोटो देखते हैं तो मैं सबको नमन करता हूँ, और अजीत सिंह जी का फोटो जब सामने आता है तो मेरे याद आता है कि अगर चौधरी अजीत सिंह ना होते तो गन्ने का क्या होता, गन्ने का क्या होता। हमारी जानकारी है 89 में जब सरकार बनी, हम लोग रोज विधानसभा में लड़ते थे, खड़े को लू को लाइसेंस मुक्त करो,
कड़े कोल्लू पे लाइसेंस होता था, अरे दरोगा भी, पटवारी भी, एसडीएम भी, पॉल्यूशन वाले भी सब जा करके सील लगाते थे। अब वह तागे की सील किसान के कोल्लू पे लगा रहे, हाथ लग गया, वह सील टूट गई, फिर एक मुकदमा और होता था सील टूट गई। तो वह सील ना टूटे इसके लिए हम लोगों ने रोज लड़ाई लड़ी, और मौका आया जनता दल की सरकार थी के उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मुलायम सिंह यादव जी ने घोषणा की कि अब खड़े कोल्लू पर कोई लाइसेंस नहीं रहेगा, और खड़े कोल्लू चलने शुरू हुए। उसके बाद हम लोगों का मन नहीं भरा, चौधरी अजीत सिंह जी से अनुरोध किया, हम लोग जनवरी तक, मैं 85 के बाद की बात बता रहा, 89 की, जनवरी तक इसलिए घूमते थे कि क्रय केंद्र परचेज सेंटर कौन से गांव में लगेगा, और जनवरी तक परचेज सेंटर लगवाते थे, और मई में लाठी लेकर के मिल में बैठते थे कि जब तक गन्ना किसान का खेत में रहेगा आपका मिल बंद नहीं होगा। दोस्तों आज तो अतुल जी का भी मिल है। और उसके बाद एक निर्णय हुआ, किस्मत भाषणों से नहीं बदलती, नीति से बदलती है। एक निर्णय स्वर्गीय आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी का हुआ, मिलों का 6 एरिया घटा करके 12.5-15 किलोमीटर कर दिया, नए नए मिल लगे, हमारा गन्ना आपूर्ति होने का, हम गेहूं की फसल भी ज्यादा करते हैं। ईमानदारी से बताओ, गेहूं ज्यादा होता है नहीं होता? अब आपके यहाँ गन्ना समय से संभालते हैं तो गेहूं भी ज्यादा होता है, सिरसों भी होती है। पर दोस्तों अभी एजुकेशन में काम करने की बहुत जरूरत है, मेरी आपसे अनुरोध है। मैंने पहले भी कहा था मैं चारण गाथा नहीं गाऊंगा, मैं अनुरोध करूंगा जो मंच पर बैठे हुए लोग हैं, ये तो बहुत भोले हैं, और भाई हमें तो फक्र है कि हमारे अंदर इनकी रगों, हमारी रगों में इनका खून। अगर ये हमारे साथ ना होते हम कभी सत्ता में नहीं रहे। 5 बार सदन में जाने का मौका मिला पर कभी सत्ता में नहीं रहे। अगर हमारे अंदर रगों में इनका खून ना होता तो हमारे तो घर को चौतरा बना देते, हमारी तो सारी उम्र लड़तो भिड़तो बीत गई, जब भी जरूरत पड़ी ये लाठी लेकर चले और जब ही जान बचाइए, हम तो रोज सड़क पर ही रहे। दोस्तों मेरी मंच पर मंचासीन लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि शिक्षा के लिए कुछ काम करो, शिक्षा के लिए काम करो। अभी मैं आ रहा था, नौजवान नाच रहे थे, डीजे बज रहा था, मेरे मन से आंसू निकले। ये इस उम्मीद के साथ नाच रहे कि आज तेरी बिरादरी के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ये तेरा भविष्य बनाएंगे। और मुझे 74 का याद आया, मैं BSc में था 74 में, 75 में हमारे यहाँ बलराम जाखड़ जी आए, हम स्टूडेंट थे, खिलाड़ी थे, बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया। ये कहा कि शहर के बच्चे के चेहरे पर उतनी हमारे बच्चे के चेहरे पर चमक नहीं है, उसके जूते पर चमक है। हमने सोचा आज तो कुछ दे करके जाएंगे जाट डिग्री कॉलेज में, पर आखिर में उन्होंने कह दिया जय हिंद। तो मेरा अग्रणी लोगों से करबद्ध प्रार्थना है, ये सम्मेलन रोज होने लगे, लोग उभरे हैं, जय हिंद कह के ना जाइयो, कुछ ना कुछ इनके एजुकेशन का इंतजाम करो। हमने हमारे बुजुर्गों ने, मेरे याद है जब हम राजनीति में सक्रिय थे, हम लोगों ने महाराजा सूरजमल संस्थान को बनते हुए देखा, उसकी नींव धरते हुए देखा। आदरणीय रामनिवास बिरदा जी कई मरतबा हमारे घर आए, उन्होंने घर घर जाकर के मेंबर बनाए, पर उस समय एक सबज बाग हमें दिखते थे कि ये कोचिंग सेंटर बनेगा, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देगा। दोस्तों बुरा मत मानना, राजस्थान हरियाणा हमसे बहुत आगे है, हमने हरियाणा के 2-2 चीफ मिनिस्टर के बड़ा करीब रह करके देखा है। समर्थक आकर कहता मेरे छोरे ने 12वीं कर ली, 14वीं कर ली, इसे ला दे कहीं, और आप पूछे जरा बताइए। हम लोगों को आपको हमें आत्ममंथन करना होगा, हम नेता हैं, आप IAS रिटायर्ड भी यहां बैठे हैं, जब हमारी चल रही थी हमने कितने लोगों को रोजगार दिया, कितने लोगों को नौकरी दी। अरे लड़िए बेचारे ये आवाज उठा रहे इसलिए उठा रहे कि हम इनका कुछ करेंगे, और हम भाषण दे करके चले जाएंगे, कल अखबार में छपेगा, बड़ा सा फोटो आएगा, कुछ लोग चारण गाथा गाएंगे और चले जाएंगे, छुट्टी होगी। हम लोगों को मेरे याद है एक बार चौधरी चरण सिंह जी के सामने मेरी शिकायत हुई,
कि हरेंद्र मलिक जातिवादी है। उन्होंने मुझे बुलाया, बहुत डांटा। मैंने कहा जी जाट का कसूर बहुत है। पहली तो बात यह कि बच्चे वो दाखिला नहीं मिलता, पढ़ता नहीं, और पढ़ जाए तो सिपाही बनाए, रोडवेज में कंडक्टर बनाए, गन्ने में कामदार बनाए, और उसका ट्रांसफर या तो होगा बनारस या होगा पहाड़ पर। तो चौधरी साहब ने मुझे बैठाया और डांट करके कहा कि प्रचार मत करो, अपने आदमी की मदद करो। आप अपने आदमी की मदद कर रहे हैं इससे जातिवादी नहीं हो जाओगे? आपका फर्ज बनता है, आपका दायित्व बनता है, आपको अगर विधानसभा में भेजा है तो उस मतदाता की लड़ाई लड़ना आपका काम है, और उसी समूह को जाति कहते हैं। दोस्तों यहां तो निरोड़ लाठी से एमएलए बने थे पहली बार। भाई सही कह रहा, मैं खतौली में चौधरी साहब ने मुझे टिकट दे दिया 85 में। 29 गांव में तो डाक साहब मुझे वोट मिली 35,000, चौधरी चरण सिंह के नाम पे मिली थी, मेरे नाम पे नहीं थी। और भाई 61 गांव और खतौली कस्बा और शाहपुर कस्बा उसे मिली थी 7,500, और मैं 22,500 से चुनाव जीत गया था। फिर कुकर बुल्लू ही ना। दोस्तों मेरी एक प्रार्थना आप लोगों से है, हमारा गौरवमय इतिहास है। हम इतिहास का खूब रोज वर्णन करते हैं, जितना मैं जानता हूं उससे ज्यादा ये जानते हैं, पर इस इतिहास को हम अगली पीढ़ी के लिए क्या कर रहे हैं इस पर विचार करना होगा। आज पीढ़ी खराब हो रही है। मैं एमएस देख करके खुश होता हूं, एमडी देख करके खुश होता हूं, डीएम है काकड़े की लड़की न्यूरोलॉजी में, पर आज जानते हो, आज एमबीबीएस की पढ़ाई की 1 करोड़ फीस है। सूर्यदेव सिंह मेरे पास आया, पटवारी है, और आकर के अपने बेटे को लेकर के आए, मलिक साहब आपकी मान लगा, इसे समझा दो मैं अब फीस नहीं दे सकता, इस लड़के का दाखिला एमबीबीएस में हो गया, परंतु उसके बावजूद मैं फीस नहीं दे सकता, मेरा घर बिक जाएगा। कितने लोग हैं जो 1 करोड़ की फीस दे देंगे? दोस्तों हम बोलते नहीं, हमको बोलना चाहिए, बोलने का काम ये नहीं करेंगे। हम संवैधानिक पदों पर रहे हैं, हमने रहते हुए बात को उठाई है। दोस्तों वह मैं कुछ लिख कर आया था, भूल जाओ, इसमें दिखता नहीं अंधेरे से मैं। दोस्तों स्थिति बहुत खराब है। हम लोगों को यह भी करना चाहिए कि फीस में या तो रिलैक्सेशन हो या रिजर्वेशन हो बच्चों का। रिजर्वेशन की बात चली, हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत बैठी है जिसे आपने पंसानिया जी पीछे बैठा दिया था। हमारे आईएएस नहीं होते, अब होने लगे हैं, आईपीएस भी होने लगे हैं। नहीं तो हम तो हरियाणा के लोगों को सलाम करते थे आईएएस आईपीएस को। हमारे यहाँ 3 आईएएस हुए जिले में, अब से पहले आईपीएस तो रघुवंशी जी भी हुए। पहले राजेंद्र कुमार जी थे, भोकर रेड्डी के चौधरी, बलवंत सिंह जी के बेटे, अनिल जी के पिताजी। फिर एस के वर्मा जी हुए और डॉक्टर यशपाल सिंह हुए। डॉक्टर यशपाल सिंह और एस के वर्मा जी हमारे गार्जियन की तरह थे। 14 जुलाई 1995 को मेरा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में और प्रोफेसर किरण पाल सिंह जी ने, आज मुझे जिनसे मिलने जाना हो इसलिए जल्दी कहा था, उत्तर प्रदेश की सूबाई असेंबली में हमने एक प्रस्ताव रखा, 2 प्रस्ताव रखे गैर सरकारी संकल्प के रूप में। हमने कहा कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा होना चाहिए, 23 जिलों को मिलाकर के पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बने। हम लोगों ने पंसारिया जी आपसे जो आपको अपेक्षा है उसके अनुसार पार्टी की सीमाओं से ऊपर उठ करके आंदोलन चलाया। हमने प्रस्ताव रखा कि जाट को आरक्षण मिलना चाहिए। छाड़मे का चुनाव हुआ, हम असेंबली नहीं जा सके, परंतु छाड़मे से 2002 तक हम रोग राजनीति करते करते भी विजय सिंह राणा जी आज स्वर्ग में हैं, प्रोफेसर किरण पाल सिंह मैं और आदरणीय लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, सरदार सिंह जी, हम लोग आंदोलन करते रहे। वो सरकार में थे, भाजपा में थे और हम लोग अलग थे। राजनाथ सिंह जी की मीटिंग हुई कोसी कला में जाट आरक्षण की, बड़ी मीटिंग थी जाट महासभा की। हमने अपने पार्टी के नेताओं को कहा
कि हम उस मीटिंग में जाना चाहते हैं। उन्होंने मेरे से पूछा, आप बताने आए हो या पूछने आए हो? हमने कहा झूठ नहीं बोलते, बताने आए हैं, पूछने नहीं आए। और हम सीना ठोक करके भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय राजनाथ सिंह जी की मीटिंग में गए और बोल करके आए, क्योंकि हमारा उद्देश्य जाट आरक्षण का था और जाट आरक्षण की लंबी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी। हम लोग पार्टी की सीमाओं से ऊपर उठ करके लड़ाई लड़ते रहे। कुछ बातें मेरी किसी को अच्छी नहीं लगती होंगी। दोस्तों, मेरा एक ख्वाब रहता, लड़ाई के बाद मैं राम प्रसाद जी को सरदार सिंह मथुरा बुला लाए, लक्ष्मी नारायण में और उनमें भी भेजता। मैं तो पहले ही मैंने कर रहा था कि मैं जाऊं भाई बोल लूं क्यों, या तो थारी चरण गाथा गाऊं। अरे इस पीढ़ी की बताओ जो उनसे जय बोल रहे। देखा अब तो दो मिनट पांच मिनट बोल कट हुआ भैया, तो इनकी बढ़ाई बढ़ाई बढ़ाई, अरे लेके क्या जाएंगे इसे बताओ। तो दोस्तों, राम प्रसाद जी ने घोषणा करी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी के थे, किसी के घर में फोटो नहीं था, पर बदकिस्मती ये हुई कि 2002 में चुनाव में तो लड़ा नहीं पार्लियामेंट का, असेंबली का। जो पुरयोधा थे, जो इस संघर्ष में थे, लक्ष्मी नारायण चौधरी को आपने हराया, विजय सिंह राणा को आपने हराया, किरण पाल सिंह को आपने हराया, सरदार सिंह को आपने हराया, पर उन्हें हमें मलाल नहीं हुआ। यही सोचते रहे कि छोड़ो, हमने लड़ाई लड़ी है, उसका फल मिला है, उसको फल लेकर के चलते रहे। हम लोगों को जानकारी है मेरठ में मिट्टी घोरी बंटवारे की। हमने कहा तू जेल मंत्री है लक्ष्मी, इस जेल का नाम चौचरण सिंह के नाम पर रख दे। उसने नाम रख दिया, वो गाड़ी जुड़ी उसमें, एक मिनट का शासनादेश हो गया चौचरण सिंह जिला कारागार। दोस्तों, हमारी कुछ ऐसी बातें 13 और 16 का, मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि 2013-2016 ना आवे। हो सकता है मुकदमे खत्म हो गया हो, पर मैं पूछना चाहता हूं क्या उन बच्चों को आप सरकारी नौकरी दिला पाएंगे जिन बच्चों के नाम आ गए? बताइए कौन दिला पाएगा? हरियाणा का मैं जानता हूं, हरियाणा में 2016 के बाद क्या हुआ। कुछ नौजवान तो ऐसे जिनकी जवानी जेल में बीत गई। दोस्तों, कारगिल का युद्ध था, लोग कहते द्वार बनेगा, जूनियर हाई स्कूल बनेगा, तो हर आदमी चाहता मेरे गांव का छोरा शहीद हो जा, पर शहीद पड़ोसी का हो जा, मेरा ना हो। तो वो काम तो गलत है भाई। जानना चाहता हूं कितने नेताओं के परिवार के लोग दंगे में सम्मिलित थे, चाहे आरक्षण का आंदोलन हो, चाहे किसी का आंदोलन हो। हम तो छा में, दूसरे को धूम में, ये बात नहीं है। एक बात मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं सम्मानित मंच से, हमारा नौजवान नशे की तरफ चल रहा है, हमें रोकना होगा इसे। अगर यही हालात रहा तो जब नशा करेगा तो पीढ़ी बिगड़ेगी, चरित्र बिगड़ेगा, ये जाट की पहचान समाप्त हो जाएगी। मेरी प्रार्थना है नशा मुक्ति आंदोलन भी चलने चाहिए। और एक इतना बुरा काम चल गया भाई, हम तो सामाजिक आदमी हैं, यहाँ तो 85 से रियोज दिन आगे लड़तो भिड़तो हमारा वो नसीब नहीं था। आ कांवर दैठ दे कुर्सी बैठ ले, हम तो लड़तो भिड़तो हो गए पर निभारे भाई। तलाक का ऐसा मामला चल गया जिसकी कोई हद नहीं रही, वह शर्म नहीं रही। आप भी चलाओ, और आपसे मेरी प्रार्थना है, ये लड़के लड़की ऐसे तलाक की बात करने के जैसे कपड़े बदल रहे हो। बताओ चल रही नहीं चल रही, रोज के फैसले। मेरठ के ही बता रहा हूं, मेरठ की एक लड़की, गाजियाबाद का लड़का, दोनों अबोर्ड सर्विस करते थे, दोनों अफसर थे, उनके तलाक का मामला हुआ। मुझे बुलाया, मेरठ में मीटिंग हुई, मैंने टेलीफोन पर लड़के से ये पूछ लिया, क्या लड़की का कोई तुम्हें चरित्र पर आरोप है क्या? अगर नहीं जी ऐसी बात ना कहियो अंकल जी, वह ऐसी लड़की नहीं है, बहुत मजबूत लड़की है। दोनों अफसर, लड़का लड़की की तारीफ कर रहा। हमने फिर लड़की से टेलीफोन में पूछा, बेटे एक बार बताओ क्या वो शराबी कबाबी है, कोई चरित्र पर उसके आरोप है? नहीं जी ऐसा तो नहीं है, वहां गाली दे है ना, व्यवहार कुशल है। और बावड़ी पे छोड़े क्यों है,
तो भाई ये बहुत बुरा टाइम चल रहा है, इसको बचाने का काम करो। समाज सुधार के दो अनुरोध है मेरे, नशे से बचा लो, और एक अनुरोध भाई नेताओं आपसे, भाई एक एक अपना रिपोर्ट कार्ड रखो, कितनों को नौकरी दुआई, यो रिपोर्ट कार्ड जरूर रहना चाहिए। और तो दिखे नोट भी दे वोट भी दे, 17 चुनाव लड़ लिया, 16-17 कोई दिक्कत नहीं होती, पर भाई नौकरी